ना एक, ना दो, ना तीन, ना चार। इस दशहरा दहन होंगे रावण 35,000। हारेगा हमास क्योंकि आतंक के वध के लिए इजराइल है तैयार। शुरू हमास ने किया, खत्म इजराइल करेगा। अपनी संख्या हमास ने बताई, गिन गिन कर संहार इजराइल करेगा। जमीन भी हमास की, युद्ध की लगाई चिंगारी भी हमास की, तो लंका जलेगी भी हमास की। हमास ने गाजा में मौजूद अपने आतंकवादियों की संख्या बताकर इजराइल को ललकारा है। हमास ने बताया है कि उसके 35,000 आतंकवादी, जिन्हें वो फाइटर्स कहता है, वो जमीन पर इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है। हमास का गाजा जल गया पर घमंड नहीं गया, क्योंकि हमास को लग रहा है कि अगर 18 दिन बाद भी इजराइल जमीन पर युद्ध शुरू नहीं कर पाया तो जरूर इस महाभारत का नतीजा उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इजराइल की सेना ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध तो होगा, किसी भी पल होगा, और जब होगा तो बहुत हाहाकारी होगा, विनाशकारी होगा। הלוחמים שלנו, לוחמי צה"ל, ערוכים בשטח, מוכנים ונחושים. הם ממשיכים להתאמן ליום פקודה. שבועות לחימה ארוכים לפנינו, נפעל בעיתוי המבצעי הנכון ביותר ועל פי הנחיות הדרג המדיני. 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के ठिकानों पर हर दिन औसतन 1200 बम बरसाए हैं। अब तक गिरे तकरीबन 20,000 बमों ने गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। इसके जरिए इजराइल ने हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक तबाह कर दिया है, और अब हमास के आतंकवादी जिन बिलों में छिपे हैं, उन्हें वहां से बाहर निकालने की तैयारी भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कर ली है। इसके लिए हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक गाजा से लगी सीमाओं पर तैनात हो चुके हैं। आदेश मिलते ही इजराइल की सेनाएं जल थल नभ से हमास को अपनी ताकत का एहसास कराने में जुट जाएंगी। युद्ध कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि इस बार मकसद सिर्फ हमास को अपनी ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि हमास के खतरे को हमेशा के लिए मिटाना है। למצרים תפקיד מפתח בסוגיית החטופים והנעדרים. המאמצים שהיא משקיעה בסוגיה אפקטיביים ומוערכים. אנו פועלים איתה עם מצרים בשיתוף פעולה ומודים לה ולצלב האדום על העשייה שלהם בנושא. לכן ישראל כסמנה סבסה בריצ'ונותי האון דוסו סזאדה בנדקו קוצ'ולנה ג'ו אביבי גאזה מהמאס כחבזה מהם. ישראל נהי צ'הטה כי זמיני המלה כדורן בנדקו כי ג'אן פרבנאי. हालांकि बीच बीच में कुछ बंधकों को रिहा करके हमास रहमदिल होने का दिखावा कर रहा है। कल रात हमास ने बंधक बनाई गई इसराइल की 80 और 85 साल की दो बुजुर्ग महिलाओं को रिहा किया। इस रिहाई के दृश्यों को हमास की सैन्य विंग ने बाकायदा फिल्माया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे हमास का एक आतंकवादी इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को चाय पीने के लिए देता है, और फिर उन्हें इजरायली सेना को सौंपने के बाद दोनों को शलोम बोलता है। अरबी भाषा में शलोम का इस्तेमाल शांति और दूसरों की कुशल कामना के लिए होता है। लेकिन शांति का दिखावा करने वाले हमास को शांति से इतना ही प्यार होता तो उसने 7 अक्टूबर को इजरायल के साथ वो खूनी खेल खेला ही ना होता, जिसने पूरे मध्य एशिया में युद्ध की आग को भड़का दिया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। इसमें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों द्वारा की गई क्रूरता के कई सबूत बिखरे पड़े हैं। जलकर राख हो चुके घर, गाड़ियां, सड़क पर बिखरे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बैग्स, रंग बिरंगे खिलौने और आतंकवादियों की बंदूकों से निकली अनगिनत गोलियों के खोल। इसी तरह एक और वीडियो देखिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये बताती हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने हैवानियत का जो खेल खेला, उसने कैसे इजराइल के सैकड़ों परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, एक दूसरे से जुदा कर दिया। हमास के एक आतंकवादी ने इस पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। परिवार में शामिल 18 साल की बड़ी बेटी मयान को माँ बाप और छोटे भाई बहनों के सामने ही गोलियों से भूनकर मार डाला।
इसके बाद आतंकवादी मयान के पिता साफी को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए। साफी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और साफी जैसे सैकड़ों इजरायली और कुछ विदेशी नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और जमीनी युद्ध शुरू करने से पहले उन्हीं की जान बचाने की जद्दोजहद में इजरायल लगा हुआ है। ये इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी हैं, जो अपने सैनिकों को गाजा में जमीनी युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वो अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि इस युद्ध में देरी सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि जब हमला किया जाए तो दुश्मन को भागने के लिए जमीन भी कम पड़ जाए। אנחנו רוצים להביא את חמאס למקום של פירוק. את ההנהגה שלו, הזרוע הצבאית שלו, את מנגנוני העבודה שלו, ולכן אנחנו תוקפים מאוד מאוד חזק, הורגים מפקדים בכירים, הורגים פעילים, משמידים תשתיות, פועלים בנחישות רבה מאוד, אבל הדרך היא דרך של התקפה מאוד נחושה, של פגיעה בחמאס בכל מקום שהוא נמצא בו ובכל דרך. תמרון בדרום מוכן בצורה טובה מאוד. यानी आतंकवाद के इस रावण के खिलाफ ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने में देर जरूर हो रही है, लेकिन तैयारी इतनी दुरुस्त है कि इजराइल का ये दशहरा धमाका हमास की पूरी लंका दहन करके ही दम लेगा।